दिल्ली के आरकेपुरम इलाके के अंबेडकर बस्ती में देर रात धनाधन फायरिंग हुई, कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें दो महिलाओं को गोली लगी। आप देख पा रहे हैं इस वक्त पुलिस यहां पर मौजूद है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक एक लड़के से विवाद था और पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था, और जब उसने पैसे मांगने की कोशिश की तो देर रात तकरीबन 3:30 बजे के लगभग 3 से 4 लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अपने भाई को बचाने के लिए दो बहनें आगे आती हैं और दोनों को गोली लगती है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस यहाँ पर बकायदा इन पुलिस ने यहाँ निशान बना रखा, ये निशान वो है जहाँ पर जो कारतूस है वो बरामद हुआ, यानी तकरीबन 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई है, काफी ज्यादा। और तस्वीरें भी आई हैं गोलीबारी की। अब पुलिस यहां पर पहुंची हुई है, सभी के बयान लिए जा रहे हैं और मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं दोनों महिलाएं जिनको गोली लगी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आज सुबह 4:30 बजे आरकेपुरम थाने में एक PCR कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पर लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहां दो महिला की गोली चली है। जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेन लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है।